इंटरनल है बाकी ठीक। बच्चे कहाँ पर जा रहे थे कि कैसे स्कूल खुला बंद था, कितनी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था? ये आज थोड़ी देर पहले की बात है। थाना रानीगंज में बाराही महोत्सव हो रहा था, तो वहाँ पर माननीय मंत्री जी श्रीकांत शर्मा जी आए हुए थे, तो उनके काफिले की गाड़ी जा रही थी और सदर विधायक जी संगमलाल जी वो उन्हीं के साथ गाड़ी थे और उनकी जो गाड़ी थी वो पीछे ड्राइवर लेकर के चल रहा था। तो इसमें ही वहाँ पर रानीगंज में एक मनीष मेमोरियल स्कूल है, वहाँ के दो बच्चे थे, दो बच्चे मोहम्मद अदनान था बच्चा और एक दूसरा बच्चा था, दोनों ही कक्षा 6 के छात्र थे 12 साल के। ये दोनों जब जैसे ही स्कूल से बाहर निकले तो काफिले की एक गाड़ी थी उसमें उससे चोट लग गई दोनों बच्चों को। दोनों बच्चों को इलाहाबाद रेफ़र किया गया है और बाकी हम लोग संपर्क में उनके परिजनों से अच्छा इलाज हम लोग करवाने की। सर जिस गाड़ी से टक्कर हुई है सर, क्या उसमें कार्रवाई क्या होगी सर? उस गाड़ी का जो ड्राइवर है, उस गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे और गाड़ी को भी हम लोग नक्के कब्जे में लेंगे। गाड़ी पलट की गई थी वहाँ पर। सर क्या ये सदर विधायक की गाड़ी थी सर? ये हाँ ये उनकी गाड़ी थी, लेकिन उस समय वो मंत्री जी के साथ में थे, उनका ड्राइवर वो गाड़ी लेकर के चल रहा था। सर वहाँ पर स्कूल सदा बंद है फिर भी स्कूल खुला था, इसमें क्या कार्रवाई होगी? इसकी हम लोग जाँच करवाएंगे क्योंकि जब आज सार्वजनिक अवकाश है तो उसमें स्कूल नहीं खुला होना चाहिए था। किन कारणों से स्कूल खुला था इसकी हम लोग जाँच करवाएंगे और उनके प्रबंधन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। सर बच्चों की स्थिति है सर? बच्चों को इलाहाबाद रेफर किया गया है और हमारे जो CMS हैं, डॉक्टर्स हैं और कई सारे हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं बच्चों के साथ में। पहली बात तो है कि आज के दिन छुट्टी है, जो स्कूल कैसा खुली व्यवस्थित बैठ लोग क्या मतलब हम तैयार आते हैं आप जैसे हिसाब से पूछे जो है कि मतलब जो है क्यों विद्यालय खुला रहा जो है, इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ।